आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस जीव जनन कैसे करते हैं, 8वां चैप्टर बायोलॉजी का, उसका एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटक है। तो जनन का मूल घटक है डीएनए प्रकृति का बनना, और डीएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, किसी समष्टि या जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। पहला ऑप्शन है पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, अगर जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का संदेशक होता है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में संदेशक होता है, संदेश छुपा हुआ रहता है डीएनए में, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, कौन सी विधि से हाइड्रा में जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होता है तो उसमें से कौन सा विधि, तो मुकुलन विधि, पहला ऑप्शन सही होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो यही क्वेश्चन का उल्टा है, तो हाइड्रा या ईस्ट में भी होता है ना, हाइड्रा ऑप्शन में नहीं है तो ईस्ट लगा देना है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में, मुकुलन विधि से जनन होता है, फिर से वही क्वेश्चन। तो इसका आंसर में ऑप्शन में हाइड्रा है, तो यहाँ पे हाइड्रा लगाना है। अगला है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो वही मुकुलन द्वारा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, बहुखंडन। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो इसमें द्विखंडन होता है, यानी दो टुकड़ों में ये टूट करके और अपने संतति के रूप में विकास करता है दोनों टुकड़ा। पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है, तो ये कायिक प्रवर्धन है, जिसमें डाली को काट करके और लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो खंडन विधि द्वारा एस्पायरोगायरा में जनन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है, तो ब्रायोफिलम पत्तियों द्वारा जनन करता है, इसके पत्ती को फेंक दीजिएगा तो इसके पत्ती के हरेक अंग से नया पौधा उग जाता है। बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि नए पादपों को जन्म देता है बीज, इसीलिए बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। पुंकेश्वर में होता है, क्या होता है, तो पुंकेश्वर में परागकण होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वही फल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, तो फल उसको कहते हैं। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो परागकण एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, तो इस विधि को परागण कहते हैं, परागण। उड़हुल फूल किस प्रकार का पुष्प है, उड़हुल, तो उड़हुल द्विलिंगी फूल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है। पौधों में किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, तो अंडाशय में बीजांड पाया जाता है जो बाद में चल के बीज बनता है। फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है, तो ये अंडाशय में पाई जाती है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किस चीज़ में, तो फल में विकसित हो जाता है। निम्न में कौन मानव में मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी भी है, शुक्रवाहिनी नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिनी। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है, तो पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा, ग्रीवा, डिम्बवाहिनी, अंडाशय, तो ग्रीवा प्लेसेंटा से भ्रूण को गर्भाशय में पोषण मिलता है। निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, बाकी मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ये नर जनन तंत्र का भाग है। 26 बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवविध में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इसको अंकुरण कहते हैं, अंकुरण। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो डिम्ब वाहिनी में, जिसको फिलिपियन ट्यूब भी कहा जाता है, उसमें निषेचन होता है। जनन संचरित रोग है, जनन से कौन सा रोग फैलती है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, तीनों का तीनों बीमारी जनन से संचरित होता है, तीन में से सभी हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है तो उसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन।
लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो लड़कों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। निम्नांकित में से कौन एकलिंगी पौधा है, पपीता एकलिंगी पौधा है। निम्नांकित में कौन लैंगिक संचरण रोग है, लैंगिक संचरण रोग कैंसर नहीं है, टाइफाइड नहीं है, कोरोना नहीं है, गोनोरिया है। एड्स रोग किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु जिसको हिंदी में कहते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण ये होता है, बैक्टीरिया के कारण। अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन। संभोग जनित रोग है एड्स। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, ये चित्र कैसा जनन को दर्शा रहा है ये बताना है, तो ये बहुखंडन को दर्शा रहा है, प्लाज्मोडियम का बहुखंडन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, और ये जो चित्र है ये इसमें पूर्णोद्भवन को ये दर्शा रहा है। देखो इसका ये जो जीव था पेलेंड्रिया, ये जीव है तीन टुकड़ा में टूट गया और तीनों टुकड़ा नए जीव में उत्पन्न हो गया है, तो इसीलिए इसको पूर्णोद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र किस प्रकार का प्रजनन है, तो इसमें देखो ये हाइड्रा है और इसमें मुकुल निकला हुआ है, मुकुलन विधि है ना, तो दूसरा ऑप्शन होगा मुकुलन। और ये किस में, देखो पत्ता है ये और पत्तों में नया नया पौधा निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा विधि है, कायिक प्रवर्धन है। और ये कौन सा पत्ता है, ब्रायोफिलम का पौधा पत्ता है। तो ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीव विज्ञान जीव जनन कैसे करते से था। उम्मीद करेंगे वीडियो काम का लगा हो, काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम बहुत करीब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ताकि सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी कम समय में कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।